तो भाई BSA गोल्ड स्टार 650 फाइनली इंडिया में आ चुकी है और ये आपको अगर परचेस करनी है तो जावा के शोरूम्स में ये बाइक अवेलेबल है। अगर आप लखनऊ से हो तो किसेंड्रो जावा आपको मिल जाएगी, यहाँ बालागंज के पास में इसका शोरूम है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि पूरी की पूरी ये जो मोटरसाइकिल अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक विंटेज लुक को रिजेंबल करती है। जो ओल्ड स्टाइल बाइक्स होती थी बिल्कुल वैसी फील होती है, चाहे आप इसका ये जो टीयर ड्रॉप वाला आपका टैंक हो गया, चाहे आपका साइन माउंटेन में आपका जो एकदम लंबा सा पाइप जैसा एग्जॉस्ट में देखने को मिल जाता है, फ्रंट में आपके सस्पेंशन हो गए, या फिर आपके फ्रंट के जो मीटर कंसोल हो गया, हैंडल बार हो गया, ग्लासेस हो गई, हेडलाइट हो गई, ये सारी ही चीज़ें आपको जो एक नॉस्टैल्जिया फील दिलाएंगी आपको, जो ओल्ड स्कूल बाइकिंग होती थी उसकी तरह। और स्टार्ट करने के बाद वो सेम जो फील होता है वो ऐसा रहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाइक देखने में वैसी लगती है, चलाने में और स्टार्ट करने में भी वैसे ही फील देती है। तो चलिए इसके ले चलते हैं इसके एक डिटेल रिव्यू की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके इंजन की तरफ ले चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगा हुआ है आपका ये छोटा सा लिखा हुआ है BSA और इसके ऊपर ये विंग का निशान बना हुआ है। और यहाँ पे इनकी जो विंटेज है, यहाँ पे ये तीन ओल्ड स्टाइल जो राइफल्स होती थी उसका लोगो बना हुआ है। 652 cc का ये आपका सिंगल सिलेंडर इंजन है, DOSC टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, प्रॉपर लिक्विड कूल इंजन है और 5-speed गियर बॉक्स के साथ में आता है। मुझे लगता है इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल सिलेंडर इंजन होने वाला है। 650 cc में आपको सिंगल सिलेंडर देखने को मिल रहा है। पावर फिगर की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी खासी पावर ये आपकी जनरेट करता है, 45.6 PS की पावर जनरेट करता है 6500 RPM के ऊपर। और वहीं पे टॉर्क जो है वो तो भाई क्या ही बता दो, 55 Nm का मैसिव टॉर्क जनरेट करता है। इवन इस कैपेसिटी की जो बाइक्स आती है जैसे इंटरसेप्टर होगी, GT होगी, उससे भी ज़्यादा टॉर्क जनरेट कर रहा है यह सिंगल सिलेंडर इंजन आपका। 55 Nm का टॉर्क 4000 RPM के ऊपर, तो इसका जो मतलब ओवरऑल जो ट्रैक्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो ये आपका इंजन हो गया। बाकी आपको मैं फ्रंट में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपके एलॉय के जो आपके स्पोक व्हील्स होते हैं ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, 18 inch के एलॉय के स्पोक्स व्हील है। टायर की अगर मैं बात करूँ, प्रेले के जो आपके फैंटम सीरीज़ के टायर्स होते थे वो आपके मिलते हैं, बहुत ही अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ये टायर्स आपके प्रेले के, सॉफ्ट कंपाउंड से बने हुए रहते हैं। फ्रंट के टायर की अगर मैं सेगमेंट की बात कर लूँ तो ये देखिए यहाँ पे छुपा हुआ से दिख रहा है 190, तो 18 inch के अलॉय हैं, सॉरी 18 inch के आपके स्पोक व्हील्स हैं और 190 सेगमेंट के आपके फ्रंट के टायर हैं। और यहाँ पे बड़े से आपको डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है जो कि आपकी 320 mm की डिस्क प्लेट है। और यहाँ पे आपको ब्रैम्बो के, यहाँ पे आपको भाई जी भाई, यहाँ पे आपको बाइब्रे के नहीं, यहाँ पे आपको ब्रैम्बो के आपके कैलिपर देखने को मिल जाते हैं। एक्सेल माउंटेड आपके कैलिपर है, 2-piston कैलिपर है, अच्छी आपको बाइट देने वाले हैं। इसके अलावा जो मडगार्ड है ये भी ओल्ड स्कूल स्टाइल में है। यहाँ पे देखो ये मडगार्ड को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे रॉड लगी हुई है और ये प्रॉपर आपका जो मेटल का नहीं है, मेटल का है, प्लास्टिक का है, प्लास्टिक का मडगार्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे स्टील की रॉड देखने को मिल जाती है। सस्पेंशन की अगर मैं आपको बात कर लूँ तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपका कवर लगा हुआ है जो प्रॉपर इसको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा अगर ऊपर चलूँगा तो यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाएगा। गोल सा आपका प्रॉपर ओल्ड स्कूल स्टाइल में जैसे पुरानी बाइक्स में आपके होते थे वैसी हेडलाइट है। यहाँ पे आपका BSA की बैचिंग दे रखी है और अंदर यहाँ जो बल्ब रखा है इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं और नीचे एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये प्रॉपर ओल्ड स्कूल जो क्लासेस आपकी होती थी, बाइक्स होती थी, वैसा आपको देखने को मिल जाता है। हैंडल की अगर मैं बात कर लूँ तो सिंगल आपका जो ट्यूबुलर शेप में हैंडल होता था वैसा हैंडल आपको देखने को मिल जाता है। प्रॉपर थोड़ा थोड़ा आपको जैसे बुलेट्स के हैंडल होते थे ना वैसा आपको रिसेंबल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो मीटर कंसोल है यहाँ पर आपको 3 parts में देखने को मिल जाता है, एक ये बीच वाला है और 2 यहाँ पे। एक बार मैं ऑन करके आपको दिखा देता हूँ तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो राइट साइड में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको RPM मीटर देखने को मिल जाता है और यहाँ छोटा सा एक डिजिटल स्क्रीन है जो आपको फ्यूल गेज यहाँ पे इंडिकेट करेगी। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड वाला है यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, तो KMPH में भी देखने को मिल जाता है और माइल पर आवर्स में भी आपका देखने को मिल जाता है, तो दोनों ही स्टाइल में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन है जिसमें यहाँ पे एक छोटा सा बटन दे रखा है हैंडल की तरफ, तो ये आपका ये आई वाला जो बटन है ना इसको अगर मैं दबाता हूँ तो वहाँ पे स्क्रीन की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये देखिए
ये आपका मिल जाएगा ओडोमीटर इसी में, ये आपका ट्रिप है और ये आपका ट्रिप भी। तो ये तीन चीज़ें दे रखी हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीन और देखने को मिल जाती है, एक बार ऑन ऑफ करके मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये साइड स्टैंड हो गया, इसके अलावा इंडिकेटर्स हो गया, ABS, न्यूट्रल और ये इंजन माल फंक्शन। तो ये सारी आपके ब्लिंकर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एक मैं आपको की भी दिखा देता हूँ। तो ये आपकी BSA की है, अगर आपको देखने में दिख रही है तो देखिए, ये आपको नॉर्मल की देखने को मिलती है, ऐसी कोई वेव की देखने को नहीं मिलती, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। और बाकी हैंडल बार मैंने दिखाई दिया। राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये ग्रिप देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे भी BSA की बैचिंग दे रखी है। इसके अलावा ये आपके जो ब्रेक्स हैं इनको अगर आप देखोगे तो ये सिंगल आपके एलुमिनियम के दिखते हैं, यहाँ ऐसा कोई एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन नहीं आता है। आई का बटन मैं आपको बता चुका हूँ, ये इंजन ऑन ऑफ करने का एक बटन दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे ये आपका हज़ार्ड का बटन दे रखा है, तो एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट देखने को मिल जाती है। और ये इलेक्ट्रिक स्टार्ट का बटन दे रखा है। वहीं पर अगर मैं आपको लेफ़्ट साइड ले जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ये आपका लो बीम हाई बीम का बटन देखने को मिल जाता है, ये आपके इंडिकेटर्स के बटन देखने को मिल जाते हैं, ये हॉर्न के बटन देखने को मिल जाते हैं। एक बार हॉर्न दबा के दिखाता हूँ मैं आपको, तो अच्छे पावरफुल हॉर्न्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये आपका जो पास करते हैं आप जाते समय उसका मिल जाता है। और ये आपका क्लच है, तो क्लच देखोगे तो वो भी सिंगल आपका जो आपके एल्युमिनियम के क्लचेस आते हैं वो आपका दे रखा है। यहाँ पे एक चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है, तो ऊपर अलग से लगा हुआ अगर आप देखोगे इसको, अगर मैं आपको खोल के दिखाता हूँ तो दोनों तरह के इसमें दे रखे हैं। यहाँ आपका टाइप सी भी दे रखा है और ओल्ड जो आपका USB स्टाइल दे रखा है वो भी दे रखा है, तो चार्जिंग का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा है। और बाकी ये आपके ग्लासेस दे रखे हैं। एक चीज़ इसमें और है कि यहाँ पर अगर आप इंजन के पास में देखोगे तो यहाँ पे ये एक नई चीज़ है, ये देखो, तो ये 12 वोल्ट का चार्जर दे रखा है, तो इससे भी काफ़ी काज चीज़ें आप चला सकते हो। जैसे कार में नॉर्मली देखने को मिलता था, बाइक्स में नहीं देखने को मिलता था, बट यहाँ पे दे रखा है, तो ये एक एडिशनल फीचर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको एक बार मैं बंद कर देता हूँ। रबड़ की कैप भी है तो उतनी जल्दी ख़राब भी नहीं वाला। पेट्रोल टैंक की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 12 लीटर का पेट्रोल टैंक देखने को मिल जाता है, प्रॉपर मेटल का टैंक है। और यहाँ साइड में आपका क्रोम का वर्क दे रखा है। यहाँ की अगर आप बैचिंग देखो BSA की, तो गोल्डन से दे रखी है रेड के ऊपर और काफ़ी ज़्यादा सेक्सी दिख रही है। इसके अलावा इसका जो टैंक है इसके ऊपर ये बीच में ये लाइन दे रखी है, ट्रिपल लाइंस, ये बीच में मोटी लाइन है, दो पतली लाइन है, ये भी आपके सिल्वर कलर में। और इसका जो कैप है फ्यूल टैंक का वो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे ESD 1903 से है, तो 1903 से आपकी BSA कंपनी चल रही है। और यहाँ पे इनका जो ट्रेडमार्क है जो तीन राइफल्स आती हैं, तो जैसा कि आपको पता होगा पहले राइफल्स ही बनाती थी कंपनी। एक बार इसको खोल के मैं दिखा देता हूँ, तो ये ओल्ड स्कूल स्टाइल में जो बिल्कुल अलग हो जाता है वैसा ही है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब बाइक को जितना ज़्यादा रॉ रखने की कोशिश की गई है वो चीज़ काफ़ी अच्छा है। इसको एक बार बंद कर देता हूँ मैं, तो ये दबा के और ये बंद हो गया। तो एक चीज़ है कि बाइक को काफ़ी ज़्यादा एक रेट्रो लुक देने की कोशिश की गई है। और वो जो एलिमेंट्स होते हैं ना छोटे छोटे, पेट्रोल टैंक का जो कैप हो गया या फिर ओल्ड स्टाइल आपकी हेडलाइट हो गई, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखी गई हैं। अब ले चलता हूँ मैं आपको पीछे की तरफ थोड़ा। तो यहाँ पे एक सिंगल सीट आपको देखने को मिल जाती है और यहाँ बीच में ये ग्रैब रेल आपका जो पकड़ने वाला होता है ये मिल जाता है, ये ग्रैब रेल हैंडल की तरफ वर्क करता है पिलियन के लिए। और यहाँ पे देखो ये आपका ब्रिटेन का लगा हुआ है, क्योंकि ओरिजिनली ये ब्रिटेन की कंपनी हुआ करती थी, तो यहाँ पे ये लोगो छोटा सा लगा हुआ है। और पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो सीट में भी पीछे की तरफ यहाँ पे बैचिंग दे रखी है, तो यहाँ सीट के लेदर पे आपका BSA की बैचिंग दे रखी है। और सेम टैंक वाला जो डिज़ाइन है ट्रिपल वाला, बीच में मोटा, दो पतली लाइन्स पीछे तक कंटिन्यू किया गया है। इंडिकेटर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो दोनों जो इंडिकेटर्स हैं काफ़ी छोटे राउंड शेप में दिए गए हैं, बट दोनों ही आपके हैलोजन इंडिकेटर्स हैं। साथ में जो बैकलाइट है ओल्ड स्टाइल, ये भी आपकी हैलोजन बैकलाइट है। टेल डाइडी काफ़ी मोटी सी है, कचड़ा वचड़ा ऊपर नहीं आने वाला है। साइड में अगर सस्पेंशन की बात कर लूँ तो पीछे के जो सस्पेंशन है ये आपके जो कन्वेंशनल स्प्रिंग वाले सस्पेंशन होते थे दोनों तरफ वाले, वो देखे गए हैं यहाँ पे। लेकिन आप इनको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो, 5 स्टेप के थ्रू एडजस्ट कर सकते हो। चैन के ऊपर ये छोटा सा हाफ कवर दे रखा है और ये पीछे का चैन पॉकेट है आपका, देख पा रहे हो। पीछे के टायर की बात अगर मैं कर लूँ तो यहाँ पे जो टायर का साइज़ है थोड़ा सा छोटा देखने को मिल जाता है। सेम आपके एल्युमिनियम के जो स्पोक वाले आपके अलॉयज होते हैं वो बने हुए हैं। और पीछे का देख लो यहाँ पे 150/17R17, तो सेम पिराले के फैंटम सीरीज़ के टायर है, बट ये आपके पीछे वाले जो हैं ये रेडियल टायर है और 150 सेगमेंट के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिखते हैं। और बगर से इसका जो एग्जॉस्ट नोड है भाई, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है। आप देख लो ये थोड़ा सा स्टाइल में स्टार्ट होता है और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश फिनिश की गई है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है। एक बार मैं इसकी आवाज़ आपको सुना देता हूँ एग्जॉस्ट नोट की। तो सिंगल सिलेंडर है, देखते हैं एक बार ऑन करके, और इसको ये ऑन कर दिया मैंने,
और ये आप किसकी आवाज़ है, आप लोग मुझे बताइएगा कि इस बाइक की जो आपको आवाज़ है, साउंड है, एग्जॉस्ट नोट है, वो आपको कैसा लगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। तो इस तरफ अगर आप देखोगे आके, तो यहाँ पे आपका ये सारी गार्ड लगा हुआ है, साथ में ये पीछे वाले जो आपके डिस्क प्लेट है, आगे वाले मैंने आपको बताया था 320 mm के, पीछे वाले 255 mm के डिस्क प्लेट है, और यहाँ पे भी सेम आपको ये आपके जो ब्रेम्बो के डिस्क कैलिपर होते थे ये देखने को मिल जाते हैं, पर यहाँ पे आपके सिंगल पिस्टन डिस्क कैलिपर देखने को मिलते हैं। साथ में ये आपका फुटरेस्ट दे रखा हुआ है पीछे पिलियन के लिए, इसके ऊपर ये रबर की ग्रिपिंग भी दे रखी हुई है, और थोड़ा सा टेक्सचर है कि ये ज़्यादा स्लिप ना हो, और ये सेम स्टाइल में जैसा पिलियन का वैसा राइडर के लिए दे रखा है। ये आपका गियर है जो कि 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ में ये बाइक आती है, सिंगल गियर दे रखा है, 1 डाउन और बाकी सारे आपके ऊपर। तो ये है आपकी ओवरऑल बाइक। एक बार थोड़ी सी और चीज़ें मैं बता देता हूँ, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस, तो इस बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये आपकी 150 mm होने वाली है, तो थोड़ी सी नीचे है इंडियन रोड के हिसाब से, कहीं पे ये प्रॉब्लम दे सकती है। वेट की बात कर लेते हैं तो 201 यानी 201 किलोग्राम की ये बाइक है, तो बहुत ज़्यादा हैवियर साइड में नहीं है, ऑलमोस्ट जो आपकी बुलेट 350 आती हैं उसके आसपास ही चलती है, 194, 196 वो भी होती है, तो उससे थोड़ी सी भारी है। इंटरसेप्टर से कंपेयर करते हैं तो उससे थोड़ी सी आपकी हल्की हो जाती है, मिडिल ग्राउंड में कहीं पे आपकी बैठती है। सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल है, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल है, 782 mm की सीट हाइट है, एक्चुअली देखा जाए तो 780 के आसपास है, तो 780 mm की आपकी सीट हाइट है, तो इंडियन राइडर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अप्रोचेबल है। और अगर मैं आपको एक राइडिंग पोस्चर की बात कर लूँ तो काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड वाला है, मतलब आपको बिल्कुल भी आगे तरफ झुकना नहीं है, बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठ सकते हो, तो ये काफ़ी एक अच्छा फील आता है रेट्रो बाइक्स को चलाने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अब बाकी देर नहीं करते हैं, एक बार इस बाइक को चला के देखते हैं कि एग्जैक्टली चलाने के बाद ये बाइक जो है वो कैसा बिहेव करती है, और जैसा अपने आप को ये रेट्रो लुक को कैरी करती है एग्जैक्टली चलाने में वैसी है कि नहीं है। तो भाई देखो, हेलमेट के अंदर आ चुके हैं और ये सामने खड़ी हुई है आपकी BSA 650, तो एक बार बैठ जाते हैं, और काफ़ी शानदार फील है बैठने का, और सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही हैं, और पोस्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार इस बाइक का, ये एक अच्छी चीज़ है। और चाबी घुमाते हैं, और देखो चाबी घुमाने के बाद ये आपकी जो इसकी सुई हैं ये घूमती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील देती हैं ये। एक बार स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो भाई 650 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन है, तो जो चीज़ एक्सपेक्टेड था वो है, वाइब्रेशंस हैं बाइक में, और इवन स्टार्ट करने के बाद सिर्फ अगर आप देखोगे तो देखो आप शीशे हिल रहे हैं, और जो आपका ये हैंडल बार है ये भी हिल रहा है, तो वो प्रॉपर जो ओल्ड स्कूल, आपको ऐसा लगेगा जैसे पुराने टाइप की जो होती थी ना 90s की बुलेट आपने स्टार्ट कर दी है, तो थोड़ा थोड़ा वैसा आपको फील आएगा। और फर्स्ट गियर लगा दिया मैंने, चलाते हैं बाइक। भाई साहब क्या पिकअप है यार, क्या पिकअप है, तो बिल्कुल भी निराश नहीं किया है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो जिस हिसाब से पिकअप होना चाहिए उस हिसाब से पिकअप है, और भाई देखो तगड़ा पिकअप है भाई, तगड़ा पिकअप है। और एक चीज़ और अच्छा है यार, चलाने में भी वैसी फील दे रही है जैसे ओल्ड स्कूल बाइक्स होती थी ना, वो वाला थंब आपका, वो वाला हल्का हल्का वाइब्रेशन, मतलब मैं कह रहा हूँ वाइब्रेशन इन बैड सेंस में नहीं है, वो आपको ओल्ड वाली मतलब जो फील होती थी ना ओल्ड बाइक्स वाली वो देगा, बिल्कुल ये क्या एकदम रिफाइंड बाइक आपको बना देंगे, और बिल्कुल जैसे होंडा के इंजन थे वैसा बन जाती, तो कहीं ना कहीं रहता ना कि हाँ भाई बाइक तो आपकी देखने में वो क्लासिक लुक आ रही है बट चलाने में वो फील नहीं आ रहा, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, चलाने में वैसा वाला फील आ रहा है। और थोड़ा सा और इसको लंबा खींचते हैं, उसके बाद देखते हैं। हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार बाइक की, कंफर्टेबली जिस हिसाब से लंबी बाइक है और 201 किलोग्राम की बाइक है, उस हिसाब से हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मज़ेदार हैंडलिंग है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा बाइक का वेट, एक बार बाइक के ऊपर आ गए हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। और ये देखो 5000 rpm के ऊपर खींचने में थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ जाता है, 5000 rpm तक बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है, 5000 rpm के ऊपर वाइब्रेशन थोड़ा सीट में फील होने लग जाता है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू आता है आपको कि 4000 rpm तक तो बाइक बहुत अच्छा रिस्पांस करती है,
बट उसके ऊपर 5000 के ऊपर अगर आप जाओगे ना तो आपको गियर शिफ्ट कर देना पड़ेगा। अगर आप सेम गियर में रहते हो तो 5000 RPM के ऊपर वाइब्रेशंस ज़्यादा पता होने लग जाते हैं, फिर वो फील आपका वो ओल्ड बाइक वाला नहीं रह जाता, फिर वो वाइब्रेशन वाला फील रह जाता है। बट 5000 RPM तक बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और नो डाउट एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है बाइक का और ब्रेकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है भाई। फ्रंट में आपके 320mm के ब्रेक्स दे रखे हैं, डिस्क पैड दे रखे हैं, डिस्क दे रखी है 320mm का और प्रॉपर ब्रैम्बो के डिस्क पैड्स हैं। तो मतलब आप समझ रहे हो ना, टॉप नॉच क्वालिटी। मतलब मेरी डिक्शनरी में तो ब्रैम्बो से अच्छे ब्रेक्स मैं नहीं जानता। नॉर्मली इंडिया में आपको वाइब्रे के ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं, जो ब्रैम्बो का आपका एक छोटा सा कहते हैं ना थोड़ा सस्ता वेरिएंट है वो है, बट इसमें आपको ब्रैम्बो के डिस्क देखने को मिल जाते हैं। मुझे नहीं आता याद कि कोई और इंडियन मोटरसाइकिल ब्रैम्बो के डिस्क कैलिपर यूज़ कर रही हो। एक बार किए थे रॉयल एनफील्ड ने, जो आपकी 535 वाली GT आई थी ना, जो ज़्यादा बिकी नहीं थी, उसमें आपके ब्रैम्बो के डिस्क लगे हुए थे, डिस्क पैड्स लगे हुए थे। अभी वाली जो आ रही है GT और इंटरसेप्टर, उसमें आपके वाइब्रे के ही लगे हुए हैं, ब्रैम्बो के नहीं लगे हुए हैं। बट यहाँ पे आपको प्रॉपर ब्रैम्बो के डिस्क पैड्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो चीज़ है। और भाई ब्रेकिंग बहुत सॉलिड है, भाई बहुत सॉलिड है। जिस हिसाब से उस बाइक की पावर है उस हिसाब को इसको ज़रूरत भी थी। क्लच आपका ठीक ठाक है, ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बट हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। रॉयल इनफील्ड वाला वो फील नहीं आ रहा है, थोड़ा सा सॉफ्ट क्लच है आपका, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया और चलाने में मज़ा आ गया भाई। एक राउंड मारने वाला था मैं इसका, बट देखो मैं दूसरे राउंड पे आ गया हूँ क्योंकि प्रॉपर चलाने में मज़ा आ रहा है मुझे ये बाइक को। और मुझे पता है कि आप लोग भी चलाओगे तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। पॉस्चर बहुत अच्छा है यार, अपराइट पॉस्चर है, बहुत अच्छा पॉस्चर है और ब्रेकिंग मैं बता चुका हूँ काफ़ी अच्छा है। एक्सेलरेशन तो भाई नंबर वन, ड्रैग करना बनता है। आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट करके भाई ड्रैग किस किस बाइक के साथ इसकी लाई जाए, उस बाइक के साथ इसकी ड्रैग करेंगे। और बाकी देखो यार कितना अच्छी हैंडलिंग है यार, मतलब वो रेट्रो वाला फील दे रही है और हैंडलिंग कितनी बेटर है इस बाइक की, वो चीज़ बहुत अच्छी है इसकी। चलाने में फुल टूस मजा, सिटी में भी आप इस बाइक को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो और कहीं अगर आप हाईवे पे चला रहे हो तो भाई चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी थोड़ा आगे चलते हैं, घूम के आते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसा कुछ ना हो जो मिस कर जाऊं। एक चीज़ इस ओवरऑल मोटरसाइकिल में मुझे लगी कि जो इसका फ्यूल टैंक है ना वो आपको 12 लीटर का है, और जैसा कि आपको पता है कि 650cc की बाइक है तो 25 के आसपास का माइलेज देगी। वहाँ पे आपका जो 12 लीटर का फ्यूल पंप है वो मतलब सॉरी वहाँ पे आपका जो 12 लीटर का फ्यूल टैंक है ये थोड़ा सा छोटा पता चलता है, क्योंकि आपको वो रेंज नहीं मिल पाती। इवन इंटरसेप्टर और GT में भी सेम माइलेज मिलता है 650 इंजन के साथ, बट वहाँ पे 13.7 लीटर का आपका पेट्रोल टैंक है, स्टिल ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 12 लीटर मिल रहा है और ज़्यादा छोटा मिल रहा है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अभी तक ये एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई की है। और बाकी ले चलते हैं अंदर और कर लेते हैं एक बार इसका कंक्लूज़न। तो आपने देखा कि राइड हो चुकी है फिनिश और कर लेते हैं एक बार कंक्लूजन की बात। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इस मोटर बाइक में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जहाँ पे थोड़ा बहुत इशू मुझे दिखा। तो पहले बात कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की, कि भाई ओवरऑल जो फील है बाइक का वो बहुत ही अच्छा है। सेम आपको जो ओल्ड क्लासिक बाइक्स होती थी वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आपको आती है। इवन चलाने में भी बाइक वैसे ही फील होती है, वो हल्का हल्का जो थंब बाइक में देखने को मिलता है वो हल्के से वाइब्रेशंस आते हैं, इन गुड नोट, बहुत ही मज़ा आती है। वो ओवरऑल जो आपको बाइक के साथ इंगेज करती है ना, वो आपको लगता है कि हाँ आप चला रहे हो कोई ओल्ड स्कूल बाइक चला रहे हो। पावर बहुत टॉप नॉच है आपका, 55 न्यूटन का टॉर्क है और एक्सेलरेशन जैसे ही आप बाइक को करते हो आपको लगता है कि हाँ बाइक अपने आप को बहुत स्पीड में पुल कर रही है। और टायर्स आपके पिराले के फैंडम सीरीज के हैं, अच्छी ग्रिप आपको दे रहे हैं और साथ में जो इसके डिस्क ब्रेक्स हैं वो भी आपके 320mm के हैं और प्रॉपर ब्रैम्बो के डिस्क पैड्स हैं, तो बहुत ही अच्छी आपको बाइट देखने को मिल जाती है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी ज़्यादा कम है।
स्टिल वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। एक जो मेजर प्रॉब्लम इस बाइक में मुझे दिख रही है वो इसका है टैंक का साइज, कि 12 लीटर का टैंक मिलता है, 650 cc का इंजन है, 25 kmpl की माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, थोड़ा सा कम देने वाली है रोड पे। सेम इंटरसेप्टर वाली मतलब देखा जाए तो माइलेज आपको मिल रहा है वहाँ पे 13.7 लीटर का टैंक मिला था, फिर भी मुझे लगता है कि फ्यूल टैंक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 12 लीटर का है जो काफ़ी ज़्यादा छोटा होने वाला है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हो, तो सिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें थी। थोड़ा सा इशू कहीं ना कहीं है कि जावा बैनर के अंडर में ये बाइक लॉन्च की है, तो सर्विस में क्या है कि उतने ज़्यादा भी इनके आउटलेट्स अवेलेबल नहीं है। मेजर सिटीज़ में आपको मिल जाएगा, लखनऊ दिल्ली जैसी सिटीज़ में, छोटी सिटीज़ में थोड़े से कम शोरूम मिलेंगे, बट अगर आपकी सिटी में जावा का शोरूम है तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि ये बाइक आप जाके एक बार टेस्ट राइड ज़रूर कीजिए, क्योंकि 650 में बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसी के साथ ये राइड रिव्यू मैं एंड करता हूँ। राइड हार्ड, राइड सेफ, दिस इज़ राम सोरोटेलो साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।